अरे लाला जन्म सुन आई। हेलो हेलो महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र पैदा भाई बुढ़ापे में चार चार तो अपन को वहाँ गाते हुए बजाते हुए चलना है। बहुत दिनों से अपन मांग रहे थे लेकिन आज इतना मिलेगा कि अब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अब महाराज के यहाँ चलना है। जन राम आवाद चलो सजनी, जन राम आवाद चलो सजनी, जन राम आवाद चलो सजनी, Thank you.
स्वीकार हो महाराज, कल्याण हो, ये सच्ची कल्याण हो। महाराज की जय हो। हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं महाराज, हमको प्रसन्न करो। श्री सदासदो एवं महामंत्री सुमंत, इन भाण और भाणियों को जो भी ये मांगे वह इनाम दिया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। सर्वसदान तीन सब काऊ, ये पावा रखा नहीं ताऊ। प्रेमी सज्जनों, इससे पहले चौपाई बोली थी, सर्वसदान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। विद्वान लोग कई प्रकार से अर्थ करते हैं, लेकिन जो कुछ लोग विशेष सटीक है अपनी समझ में, महाराज दशरथ जी ने सब कुछ दान में दिया, यहाँ तक दिया गया ताहू नाम दरिद्रता को बताते गरीबी, कोई गरीब न रहा। और इसके आगे जात में जानिए, बिना नाती भगवान राम का जन्म होने के बाद सूक्ष्म समय बीत रहा है, दिन प्रतिदिन सूक्ष्म कट रहे हैं, समय का पता नहीं लगता कब कल आ गया, बहुत जल्दी समय बीत रहा है। सूक्ष्म समय में समय का पता नहीं लगता है और दुख का यह दिन भी कठिन हो जाता है, इसलिए इतना सुख है, इतना हर्ष है कि समय का पता नहीं लग रहा है। सियाराम, अगर जीव की 16 संस्कार होती है, उनमें से एक संस्कार का समय आ गया, मेरी पुत्रों का एक संस्कार होना है, वह समय आ चुका। वह संस्कार कौन सा है? नाम का ही संस्कार। इसलिए मुझे गुरुदेव के पास जाकर के प्रिय वक्षों से नामकरण संस्कार कराना है। धूप बोल पठे बोल जानी, श्री सभासद जाओ गुरुदेव को मेरी तरफ से आग्रह करना, प्रार्थना करना और उनको दरबार में सम्मिलित कर दो, बुलाओ गुरुदेव को, क्योंकि मेरे पत्रों का नाम का संस्कार होना है। जैसी आज्ञा महाराज। श्री प्रभु, मैं आज उन्हें आपकी शरण में शरीर निर्माण कर रहा हूँ। गुरुदेव, श्री गुरुदेव कहो राजन, आपकी कृपा से ये अयोध्या आनंदमय हो गई है। श्री गुरुदेव कहो सम्राट कहो। श्री गुरुदेव देखो अयोध्या सी नगरी खुशी 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 आज खिली जा रही Oh,
उठी रही है, आनंदमय हो रही है बेटे, क्योंकि आपके आशीर्वाद से आपकी कृपा से उनके चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है। उसमें बेटे